अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप के आर्मी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत और बहुत से भी ज़्यादा बढ़िया होंगे। हाजिर है, पेश करते हैं आपके सामने न्यू वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो मतलब जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है उनमें से एक है, और उस वीडियो का नाम है आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब मोहतरमा जो चल रही है ट्रेंडिंग में, पाकिस्तान के अंदर ट्रेंडिंग में मोहतरमा चल रही है मथीरा। और हम तो फर्स्ट टाइम ही रिएक्शन करेंगे इनकी किसी वीडियो के ऊपर। मथीरा मैं इन शो देखता हूँ एक, वो मैं जब मुझे टाइम मिलता है कभी हफ्ते डेढ़ हफ्ते में, तो वो रैपर वाला स्टार रैपर वाला शो मैं रैपिंग की वजह से देखता हूँ, बिकॉज हम थोड़ा रैप वगैरह को देखते हैं उसकी वजह से देखते हैं। सो ये मथीरा की जो, पहले मैं टाइटल बता देता हूँ ताकि आपको समझ आते, तो ये जो है वो ऐसा है कि वो टिकटॉकर जो है उनकी थोड़ी रोस्टिंग है इसके अंदर। जो मथीरा मोहतरमा जो है वो बैठे बैठे पॉइंट्स नहीं, मतलब आई थिंक ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो जो टिकटॉकर्स ब्लॉग उनको पॉइंट मार दिया कि अच्छा तुम ये तुम वो तुम वो, मतलब एक तरीके से लेती हैं वो टिकटॉकर्स की। अब वो क्या है लेती हैं वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, मतलब एक तरीके से वहाँ पर यही था टाइटल उसका, मथीरा रोस्टिंग ऑन टिकटॉकर्स। अब देखते हैं क्या हिसाब किताब है, फर्स्ट टाइम देखेंगे बाद में बताएंगे, देखते हैं। अगर वीडियो कोई भी बात आपको अच्छा लगता है तो हर एक बंदे ने फॉलो करने का इंस्टाग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, और आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड, वहाँ पर ब्लॉग वगैरह आते रहते हैं। विदाउट एनी मिस बिगिन मथीरा वीडियो इज हियर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, न्यू कम इज अ टिकटॉकर, अभी मजा आएगा ना वीडियो, एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो यस वी विल कॉल द वन एंड ओनली दुआ ज़हरा एंड शरोज। दुआ ज़हरा को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाथ भी मिलाते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, आते ही पार्टी शुरू कर दी है। तो ऐसा क्या क्या है, सदमे में आ रही है बच्ची, समझ रहे हो ना, तुम अभी भी स्लो मोशन में चल रही हो, तुम्हारे रिवर्स बटन है क्या? भाई नहीं नहीं, बटन ही नहीं है, यूं ही चलती हो आप ही आप, शेक एंड इट मूव्स। ओ ये मीम वीडियो है। बाल बड़े तुमने, क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ था, बड़े तुमने चेंज कर दिए अपने बालों को। ओके दुआ, तो तुम टिकटॉक पर हो? यस। क्या करती हो टिकटॉक पर? स्लोस, फास्ट, क्या करती हो? स्लोमोस बनाती हूँ प्लस नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ। ओके, वो टैलेंट है? नानी, ओ माय वा, मो सिंदे इरु। मैं तुम्हें 5 seconds दे रही हूँ, 5 seconds। It's so small. पर 5 seconds दे रही, 5 seconds में अपना टैलेंट दिखा, वो क्या होगा? दांत नहीं दिखाओ, टैलेंट दिखाओ। माय फेस, ये तो मीठी मीठी ले रही है, तुम्हारा टैलेंट है, दूसरे लोग का फेस नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, नहीं पर कुछ तो होगा ना, जुबान है तुम्हारी टैलेंट, वो भी है जुबान, इसका जुबान और इसका मुंह इसका टैलेंट है। ग्रेट, क्या करती है इनके साथ मुझे नहीं पता। ओके क्या इतना बुरा हूं मैं, मानो गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है यार। तुम बताओ तुम्हारा टैलेंट क्या है? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता जानू, जुबान के साथ और फेस के साथ ये टैलेंट नहीं होता, ये एक जरूरी चीज होती है जो हर इंसान के पास होती है। तो ऐसे पॉइंट्स मार रही है, मेरे समझ आप बता। मैं इमोशनल फनी वीडियो ज्यादा बनाता हूँ, मेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मेरा मुझे लगता है कि इमोशनल वीडियो ज्यादा। कैसे? अभी 2 seconds में इमोशनल हो जा, इसको देखकर इमोशनल हो जा। मैं गरीब हूँ, आंसू आने चाहिए, बच्चे को रुलाएंगे हम यहाँ। बच्चा आंखों से आंसू निकल रहा है। याद आ गया वो किस्सा के, सिद्रा नाम था उसका। किसका? इसका। सीधी राह दिखा के चली गई। मेरा कोई गाली 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 मेरी जवान तू दिखाई। क्या दिखा कर चली गई? सीधी राह। ये तुम्हारा इमोशन था? Shut the fuck up.
नहीं मतलब वो तो फिर निकलते हैं जब कैमरा सामने होता है। इतना नहीं निकालो पर इमोशन निकालो कुछ और ही निकल रहा था यार। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। उसका मतलब ये होता कि उन्हें तकलीफ ना। कुत्ता या बिल्ली? अगर एक दूसरे को कुत्ता बिल्ली बोलो तो कुत्ता कौन होगा बिल्ली कौन होगा बता। ये बिल्ली होगा, कुत्ते वफादार होते हैं। हां हां नचिया क्या इतना बुरा हूँ मैं मानो। वफादार नहीं है क्यों बेवफाई किए? मैंने पहले दिन से बहन बोला। मैंने क्या बोला तूने? दिन से बहन बोला मैंने। लखदीप इतनी इज्जत दी और मैं वफादार नहीं, क्या मतलब? क्या बेवफाई किए? नंबर बांटा क्या क्या है? नहीं नहीं मुझे अपने घर जाना है। तुमने क्या किया इसके साथ? केस ने बेवफाई का लकब लगा दिया, ये फौरन हानिया आमिर लग गई। नजर ना लगे तुझे भोसड़ी वाली। सो ओके, हमारी यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है और इट्स लुक लाइक ये जो वीडियो थी मेम वीडियो थी, मैं ये बताना भूल गया कि ये जो है मीम्स बनी हुई थी कि रोस्टिंग टिकटॉकर के नाम से, तो वो मथीरा की रिक्वेस्ट किसी ने भेजी थी और बोला था कि सर इस वीडियो पर रिएक्शन करें। तो आई थिंक मैं शायद बताना स्टार्टिंग में बताया था या ऐसे ही कुछ था, या अगर गलती हो गई तो समझ जाएगा। सो इसमें कुछ ऊपर नीचे के एक दो अल्फाज अगर आए हों तो दिल से थोड़ा वो करते हैं हम, क्योंकि हमें पता है हमारे चैनल पे लड़कियां ज़्यादा हैं। सो बट रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से आ रही थी कि मथीरा 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 का किस्सा बहुत टाइम से चल रहा है। सो लेकिन एक बात है यार, ऐसे पॉइंट्स टैम देखो, अगर कोई दुआ जा रहा है मैंने तो इट्स जस्ट आर ये एक वो वीडियो थी, इसमें कोई मैंने कोई वो नहीं, हम रिएक्शन हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं तभी हमें बनाना पड़ता है, बहुत जमा हो जाती हैं। तो मैंने खुद ही दुआ जारा की वीडियोस पे भी रिएक्शन किया हुआ है, बट यहाँ पर बात है तो मथीरा तो फिर मथीरा है ना, तो वो तो भैया टैलेंट गया फेस और ये मतलब पॉइंट्स ऐसे है कि बस जालिम पॉइंट्स से। व्हाट अबाउट यू, आप लोग क्या कहते हैं, इस टाइप की वीडियोस देखना आप लोग पसंद करते हैं या नहीं? ये ज़रूर बताइएगा, इस टाइप की वीडियोस आनी चाहिए या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा कि नहीं आनी चाहिए या आनी चाहिए, दोनों में से एक बताइएगा। ओके, और जो पार्ट अच्छा लगा वो बताइएगा हमें, कौन सा लगा वो वाला डैड था कि ये तो बस मैं नहीं बता रहा हूँ, पार्ट छोड़िए, खैर छोड़िए, मिलते हैं फिर आपसे नए छोड़े, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।